हाय, आई एम श्री। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, परमात्मा के करीब हूँ। नीट और जेईई के एग्जाम्स आखिरकार अगले महीने होने जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि एग्जाम्स होना बहुत जरूरी है। हाँ, कोविड-19 से परेशानियां हैं, पर बच्चों का करियर रुकना नहीं चाहिए। एग्जाम्स नहीं हुए तो पूरा एकेडमिक ईयर व्यर्थ चला जाएगा, जान चाहे चली जाए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, सरकार के साथ साथ मैं भी लाइफ मस्ट गो ऑन का नारा लगा रही हूँ। तो क्या हुआ अगर आज सुबह ही इस देश में कोरोना वायरस के केसेस 30 लाख से ऊपर निकल गए हों और 57,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हों? मेरी फैमिली में तो नहीं हुई ना। और वैसे भी 50% से ज्यादा ऐसे केसेस गांव क्षेत्र से आते हैं। अब वहां के लोगों के बारे में तो हमने पहले कभी नहीं सोचा, तो आज क्या सोचेंगे? कुछ छात्रों का कहना है कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर घर से काफी दूर हैं। अरे, जब तक हम लाल बत्ती में घूम रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी 5 बार, जी हाँ, 5 बार छात्रों को उनका एग्जामिनेशन सेंटर बदलने की चॉइस दी गई थी। अब अगर फिर भी उनका सेंटर 500 किलोमीटर दूर हो तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ छात्रों का कहना है कि बसें और ट्रेनें इत्यादि बंद होने के कारण वो अपने सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे? चल के, जैसे हम अपने जमाने में जाते थे 20 किलोमीटर चल के, 2 नदियां पार करके, अपना ईमान बेच के। बिल्कुल वैसे। जो छात्र घर से दूर हैं उन्हें साफ खाना कैसे नसीब होगा? अरे, जिस देश में आज भी 7 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, वहां खाना मिलना या ना मिलना एक ही बात है। कुछ बच्चों का दावा है कि असम, बिहार, उत्तर पूर्व और कई प्रदेशों में बाढ़ आने के कारण उनका पढ़ना और एग्जाम देना मुश्किल हो गया है। पर मैंने तो ऐसी कोई खबर मेनस्ट्रीम न्यूज में नहीं देखी। देखिए बच्चों, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। बच्चों में बढ़ते सुसाइड्स की भी बात हो रही है, पर ये कौन सी नई बात है? आप लोग राय का पहाड़ बना रहे हैं। बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन को भी कोरोना वायरस का खतरा हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। पर इसमें भी मैं सरकार के साथ साथ यही कहना चाहूंगी कि हमें फर्क नहीं पड़ता। अब जाइए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक हैं। धन्यवाद।